गाइज, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। पलाक मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। तो व्लॉगिंग मैं अभी रात से कर रही हूँ, आगे की कंटिन्यू मैं कल को करूँगी, क्योंकि करवा चौथ की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले होता है मेहंदी लगाना। तो रात में अभी लगा रही हूँ मैं मेहंदी, तो मैं मेहंदी लगा ली थी और लास्ट में दिखाऊंगी मैंने कैसे मेहंदी लगाई। एक हाथ में तो मैं लगाऊंगी, दूसरे हाथ में मैं लगा नहीं सकती, तो ये बना लेंगे थोड़ा हल्का हल्का, इनसे बोल देंगे थोड़ी हेल्प कर देंगे मेरी। उसके बाद फिर कल को करवा चौथ, देखते हैं मेरी मेहंदी कैसी रचती है। तो चलो चलते हैं मेहंदी लगाने, उसके बाद लास्ट में दिखाती हूँ मेहंदी मेरी कैसी लगी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो ये वीडियो कंटिन्यू हो रही है नेक्स्ट से। मैंने बोला था कल रात को ही मेहंदी दिखाऊंगी, मगर मेहंदी लग चुकी थी और फटाफट धुल भी चुकी थी, क्योंकि एडविक हो गया था परेशान। इसको फिट करवाना होता है अभी, जैसे पता है 1 मंथ का भी नहीं हुआ है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, इसलिए वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं नेक्स्ट से। तो अभी मेरी पूजा पाठ नहीं हुई है, मगर मैंने शाल ले लिया है। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी जो मेहंदी लगाई है मैं आप लोग के साथ वो शेयर करती हूँ, मगर उससे पहले सारी लेडीज़ को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। आपका हर करवा चौथ बहुत बेस्ट 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 बनता जाए, मेरी यही दुआ है, आशा है, यही बोलूँगी। तो सबसे पहले ये है मेरी मेहंदी जो मैंने लगाई, फ्रंट की और बैक की। मतलब इवन ना मैंने ना सिर्फ 10-15 मिनट रखी थी, उसके बाद मतलब सूखती ही मेहंदी मैंने वॉश कर ली थी, क्योंकि एडविक है। और इवन आप लोग को पता है कि मेहंदी से हाथों में ठंडा भी पड़ता है, इसलिए मैंने जल्दी वॉश कर ली थी, मगर फिर भी रंग आ गया। अगर रंग नहीं आता तो फिर इनसे बोला जाता, मगर कलर आ गया। ये मैंने बनाई, कैसी लग रही, सिंपल बनाई है। और ये साथ में माई डियर हस्बैंड जी ने बनाई है, तो बताओ कैसी लगी है मेरे हाथों की मेहंदी। तो मेहंदी मैंने बना दिया और यहाँ पे इनका लिखा है नाम। अब मैं करती हूँ अपनी सुबह की पूजा पाठ, करती हूँ आरती वगैरह करती हूँ और अपना व्रत स्टार्ट करती हूँ। और दिन भर फिर आज रेस्ट करना है, क्योंकि छोटा बेबी भी है, इसको फीड कराना भी होता है और दिन भर भूखे भी रहना है। तो लेट्स सी, देखो आज का दिन कैसे निकलता है। वैसे निकल ही जाएगा, क्योंकि ये है मेरा थर्ड करवा चौथ, तो 2 साल की हैबिट है मुझे। तो चलो करती हूँ अब मैं पूजा, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। वीडियो कंटिन्यू हो रही है दिन के टाइम पे, तो अभी मतलब दिन के बज रहे हैं 4, तो मैंने बोला कि टाइम से खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। अभी तक थोड़ा एडविक को देखना था और मैं थोड़ा रेस्ट भी कर रही थी, क्योंकि दिन भर अगर एनर्जी वेस्ट हो जाती थी, तो मैं ना खाना पीना मैं बना लेती हूँ अभी, क्योंकि टाइम से अभी बन जाएगा तो रात में हपड़ तपड़ नहीं होगा, और टाइम से मैं रेडी होकर 2-4 रील भी बना लूँगी। इसलिए खाने में अगर मैं बताऊँ तो आज मेरा मन कर रहा है मैं छोले बना रही हूँ, छोले पनीर और भटूरे बना रहे हैं हम लोग, और साथ में मीठे में कुछ खीर बनाऊंगी मैं, सिमई ला रखे थे तो सिमई की खीर बनाऊंगी। तो अभी बस स्टार्टिंग हुई, अभी कुछ भी रेडी नहीं हुआ है, बस मैंने अभी यहाँ पे ये प्याज काट दिया और लहसुन और अदरक मैंने छिल के रखा हुआ है, तो अभी बना कुछ नहीं है, धीरे धीरे मैं बना रही हूँ। जब बन जाएगा उसके बाद मिलूंगी आप लोग से, तब तक आप लोग बने रहो और खाने पीने की मैं टाइम से तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉगिंग में आज बने रहो। क्या क्या होता है जब खाना बन जाएगा फिर दिखाऊंगी आप लोग को। मेरा काम हो चुका है, मेरे छोले का ना मसाला भी बन चुका है। यहाँ क्या होता है, हम लोग ना बॉयल वाले जो पके हुए छोले होते हैं वो लेकर आते हैं, तो बस लास्ट में ना छोले मिलाने ही होते हैं। मसाला बन चुका है, पनीर का मसाला बन रहा है, खीर बन चुकी है, बस मेरे को ना भटूरों के लिए आटा गूंथना है। और ना इतना गर्म हो गया था, मुझे ना सफोकेशन जैसी होने लग गई थी। मैंने देखो मैंने डोर भी खोल दिया ताकि थोड़ी ठंडी हवा आए करके, गर्म सा एकदम हो गया था, क्योंकि ऑयली खाना ना मसाले वाला बना बना के तो हालत बहुत हो गई है। मैं तो सोचती थी कि रील बनाऊंगी, फ़ोटो खींचूंगी, तैयार होगी, मगर टाइम भी हो ही गया। देखो अब क्या होता है, कैसे क्या होता है, अगर हिम्मत आई तो करूँगी, नहीं आई तो देखेंगे। अभी बस अब भटूरे का ही काम बचा है मेरा, वो करती हूँ, उसके बाद थोड़ा मैं ना सस्ता लेती हूँ, यहाँ पर थकान हो गई, फिर मैं यहाँ पर बैठ गई। देखो अब रेडी होती नहीं होती, वो बताऊँगी मैं आप लोग को फिर। 1 hour later जी में
आज लम्हे खास आ गए, मौत आते दोनों के दिल पास आ गए। सो गाइज, यहाँ पे मैं रेडी हो ही गई हूँ और आप लोग ने मेरा पूरा लुक देख ही लिया है तो बताना। फिलहाल अभी मैंने ना मतलब बहुत ज़्यादा हैवी सामान हो जाता है इसलिए गलों बंद न था तो मैंने नहीं पहनी है। लेट्स सी, जिस टाइम पे मैं व्रत अपना फास्ट कंप्लीट करूँगी, व्रत तोड़ूंगी, तो उस टाइम पे अगर मूड की बात अगर न था तो मैंने पहना तो मैं ट्राई कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए, उस टाइम पे पहन ही लूँगी। उस टाइम पे छोड़ा छोड़ा तो डालूंगी, नथ मांगटी का देखूंगी मैं। फिलहाल अभी ये जा रहे हैं जिम के लिए तो तब तक ना खाना पीना तो हमारा हो ही गया, बस भटूरे तलने बाकी हैं तो घर आके वो करेंगे जब ये आएंगे। तो फिलहाल मैं अभी अपनी ना वो फोटो वोटो लगाती हूँ और अपनी जो कथा आता है कथा पढ़ लेती हूँ और अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ, आरती वगैरह मंदिर में कर लेती हूँ दिया बत्ती, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई और ये जिम से भी आ गए हैं तो मेरा खाना पीना सब रेडी है, चांद भी आ गया। अब बस मुझे वहाँ पे जाके ना व्रत तोड़ना, और मैं टाइम दिखाऊँ 9:15 हो गया है यहाँ पे टाइम, यानी ऑलमोस्ट बस अभी मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए, मैंने पूजा उजा कर ली थी टाइम से, तो अब चांद आ गया 9:15 बजे यहाँ निकला है। इंडिया में कितने बजे निकला चांद आप लोग के वहाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि किसके यहाँ कितने कितने बजे चांद निकला और आप लोग ने कितने बजे व्रत तोड़ा। लास्ट टाइम का तो मुझे याद है मैंने 10 बजे तोड़ा था क्योंकि उस दिन बादल जैसे लगे थे, बादल आज भी थोड़े लग रखे हैं मगर आ गया है 9:15 बजे। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरी प्लेट वगैरह सब चीज़ें मैंने पानी यानी रख दिया और मैंने स्वीट्स प्रसाद काट के रख दिए हैं और यहाँ पे जो मैंने बनाया था खीर पनीर और छोले और भटूरे यहाँ पे नहीं रखे मैंने अभी, और मैंने लोटे में अपने के लिए पानी भी ला गई हूँ। तो ये अभी बस थोड़ा सा एडविक रो रहा था तो उसको थोड़ा सा दूध पिला रहे हैं, उसके बाद हम फटाफट पूजा करके मैं अपना व्रत तोड़ती हूँ क्योंकि मुझे ढेर मतलब बहुत जोरों से भूख लगी है, मतलब ना पेट अपना दर्द करने लग गया। तो अब फटाफट मेरे को ये कि कब मतलब खाने का इतना नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है कि मुंह इतना सूख गया है ना मेरा, ऐसा हो रहा है कब मैं पानी पीऊँ। तो मेन मुझे सबसे ज़्यादा पानी की हुई है। चलो दिन भर भूखे रहे, थोड़ी देर की और बात है 5-10 मिनट की, चांद तो आ गया, मैं फटाफट तैयारी कर रही हूँ वहाँ पे, तब तक एडविक को दूध पिला रहे हैं, उसके बाद फिर अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ती हूँ मैं। A few moments later. तो गाइज यहाँ पे मेरा खाना लग चुका है, ये मत सोचना कि सिर्फ मैं ही खाऊंगी, हम दोनों का लोग सोचेंगे भर भर के इतना खा लेगी करके, दिखती तो है नहीं इतना। सो गाइज व्रत मेरा हो गया है कंप्लीट और बहुत बढ़िया रहा, आई होप कि आप सब लोग का भी अच्छा हुआ होगा। प्रोसेस वही सेम है मगर आप लोग को पता है कि हम दोनों अकेले हैं, एडविक ना बहुत रो रहा था, जैसे हमने ना फटाफट पूजा करके फटाफट वो कर रखा है तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, प्रोसेस तो आप लोग को पता ही, अगर नहीं पता है तो मेरा पुराना ब्लॉग देख लेना, मेरा पिछली बार वाला करवा चौथ देख लेना, सेम वैसे ही बना रखा है। तो मुझे ना बहुत जोरों से भूख लग गई, मैं अब खाती हूँ और जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, और आप लोग हर साल ऐसी करवा चौथ का व्रत रखते रहो और अपने पतियों से गिफ्ट लेते रहो। तो चलो हम यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल में नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पानी निशा खुलिया ब्लॉग्स को करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। तो मिलूंगी कल को नई दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।